नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है। इजलास में फैसला किया गया है कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई ने ज्वाइन किया। अयाज बताइए, इस आम खबर से मुतालिक डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, मुश्तरक मफादात कौंसिल का अहम जो इजलास था वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ की ज़ेर-ए-इदारत, उसमें मुत्तफ़िका तौर पर तमाम वज़ीर आला ने ये फैसला की मंजूरी दे दी है कि नई मरदमशुमारी की मंजूरी होगी और जो आने वाले इलेक्शन होंगे 2023 के जनरल इलेक्शन वो इसी मरदमशुमारी के तहत होंगे। जो नई डिजिटल मरदमशुमारी अभी हुई है जिसकी मंजूरी आज ECC इन मुश्तरक मफादात कौंसिल के इजलास में दे दी गई है। इस हवाले से हमने पहले भी आपको खबर दी थी कि इसकी मंजूरी हो गई थी, लेकिन उस वक्त वजीर आला बलोचिस्तान जो थे अब्दुल कुद्दूस बसंजो वो इजलास में फ्लाइट ताखिर की वजह से नहीं पहुंचे थे। इसलिए वजीर आजम चाहते थे कि तमाम ये फैसला बड़ा अहम फैसला है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, तो बड़ा अहम फैसला इसको कहा जा रहा है। अच्छा ये बताइए अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई के ये मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दी गई है, यानी सिंध के वजीर आला ने भी इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उन्होंने भी कहा कि नई मरदमशुमारी पर होने चाहिए, बलूचिस्तान से भी कोई तहफ़ुज़ात का इजहार नहीं किया गया? जो है बिल्कुल, पहले ही जो पहला दौर था इस इजलास का उसमें तीनों वज़ीर आला ने मुत्तफ़िका तौर पर उस वक्त मंजूरी दी थी, लेकिन क्योंकि एक वज़ीर आला नहीं थे इसलिए ये दोबारा ये दौर जो है वो हुआ। उस वक्त भी तमाम जितने भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे वफाकी वज़रा वज़ीर आला तमाम ने मुत्तफ़िका तौर पर उस वक्त भी मंजूरी दी। अब क्योंकि अब्दुल कुद्दूस बसंजो इसमें फाइनली पहुँच गए थे तो दोबारा जब इसका दौर शुरू हुआ तो उन्होंने भी जिस तरीके से तमाम दीगर लोगों ने इसकी मंजूरी दी, उन्होंने भी यूनानी मसली जो है तमाम लोगों ने इसकी मंजूरी देकर अब इसको मंजूर कर दिया है। बाज़ाब्ता तौर पर अब इसको इसके जो डाटा है इसको इलेक्शन कमीशन के पास भिजवाया जाएगा और हल्का बंदियों के हवाले से अब इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पर। अच्छा ये पूछने का मकसद अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई इसलिए था क्योंकि पीपल्स पार्टी का सिंध की हुकूमत का वज़ीर आला का मौक़िफ़ ये था कि इंतखाबात एक रोज़ भी डिले नहीं होने चाहिए और अपने वक्त पर होने चाहिए, तो इस पर कोई एतराज़ उन्होंने नहीं उठाया मुश्तरका मफादात काउंसिल में और जो फैसला हो गया उसको मिनोन तस्लीम कर लिया गया? देखिए जी, इसमें क्योंकि इसमें डिले तो होगा ना, सॉरी टू कट यू, इसमें डिले तो होगा ना 3 से 4 महीने का। देखिए इस पे सिंध को भी तहफ़ुज़ात थे, सिंध ने वज़ीर आला सिंध ने पहले पब्लिकली ये बात स्टेटमेंट दी थी कि हम पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात चाहते हैं। MQM का ये पहले दिन से मुतालबा रहा कि नई मरदमशुमारी के तहत जो है वो ये इंतखाबात हों। इस हवाले से इतराजात जरूर उठाएं, अपने अपनी डिमांड सब ने रखी, लेकिन फिर फाइनली जो है मुत्तफ़िक़ तौर पर ये फैसला कर लिया गया कि अब इसको मंजूर कर लिया जाए। और जो डिले का हवाले से है तो वो कोशिश यही होगी हुकूमत की भी और तमाम स्टेक होल्डर के इलेक्शन कमीशन को कहे कि फौरी तौर पर इस काम में तेजी लाई जाए, जो भी इसका प्रोसीजर है जो SOP है इसको फौरी तौर पर लागू किया जाए। जी अब आगे की बात, जी बिल्कुल, ये जो आगे की आप बात कर रहे हैं, आप कितने आप मजीद महीने इसमें लग सकते हैं, यानी मैक्सिमम अगर देखा जाए 4 से 5 महीने भी कहा जा रहा है कि हल्काबंदियों में लगे, क्योंकि काम की नौयत पर डिपेंड करता है कितनी तेजी से काम होता है। देखिए जी, इस हवाले से 90 रोज तो जैसे आपको पता है बिफोर टाइम पहले वक्त से पहले समनिया तहलील की जा रही है, तो 90 रोज तो ये इस वक्त मिलेंगे इंतखाबात के लिए। और जो हमने कानूनी माहरीन को सुना है या इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम थे जो पहले इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कराते रहे, उनकी जो हमने बातें सुनी उनका ये कहना था कि अगर ये नई मरदमशुमारी अगर ये लागू होती है तो 4 से 5 महीने का वो बता रहे थे कि इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन इस हवाले से अभी तक का हाल इलेक्शन कमीशन ने कोई अपनी स्टेटमेंट जारी नहीं की कि वाकई वो 90 रोज में हल्काबंदियाँ मुकम्मल कर सकते हैं या फिर उनको मजीद वक्त चाहिए होगा, लेकिन ये जब भी इस्लामिया तहलील होगी तो तमाम। जी और आपकी यकीनन वकला से भी बात हुई होगी, कानूनी और आईनी तौर पर भी आपने इस पर कुछ पहलुओं पर जानने की कोशिश की होगी, तो इसको एक कवर भी दिया जाना है बहरहाल कानूनी तौर पर कि किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि इंतखाबात वक्त पर कराना तो आईन में लिखा हुआ। जी बिल्कुल, अभी जैसे इसके बाद जब ये डाटा सारा चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास तो फिर, और जैसे इस्लामिया तहलील होगी तो फिर बाल इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है, फिर इलेक्शन कमीशन ही इसको मैनेज करेगा कि वो बर वक्त हल्काबंदियाँ करने में कामयाब होता है या अगर उसको थोड़ा डिले भी चाहिए उस हवाले से भी कानूनी जो है रास्ते मौजूद है, उस हवाले से फिर आगे लायमल इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा कि इलेक्शन को अगर डिले होता है सिर्फ हल्काबंदियों के हवाले से तो कितना होगा। लेकिन उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि अगर डाटा इनको फौरी तौर पर मिल गया तो अब इस पर फौरी तौर पर काम शुरू हो जाएगा और बरवक्त इलेक्शन कराने की पूरी कोशिश करेंगे इलेक्शन कमीशन इस हवाले से पहले। जी अब इस पर देखते हैं, इलेक्शन कमीशन से मुतालिक एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेते हैं कि कितना वक्त इसमें दरकार हो सकता है। इसके लिए मैं ज्वाइन किया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब ने, बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब आपने वक्त दिया। ये कहिएगा कि अब मंजूरी दे दी गई है नई मरदमशुमारी पर होंगे इंतखाबात,
अब इसका गजट नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो ये पाबंद हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के अब उसको विद इन टाइम यानी 2 से 3 महीने जो भी लगते हैं इंतखाबात कराना होंगे। ये दुरुस्त फरमाया आपने, मुश्तरका मफादात कौंसिल की सिफारशात के बाद वफाकी हुकूमत जो गजट नोटिफिकेशन जारी कर देगी तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 51 का सबसेक्शन 5 के तहत उसको अजसरनो हल्का बंदियां कराना जो है वो कानूनी तौर पर उन पर लाजमी हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा और वो पाबंद हो जाएंगे कि आप नई हल्का बंदियां को आप ना शुरू करें। इसके लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो रोड मैप तैयार किया हुआ है उसमें जमीनी हकायक के मुताबिक तकरीबन 4 महीने से लेकर 6 माह का अरसा दरकार होगा क्योंकि 266 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और 593 जो है वो सूबाई असम्बली के नशिस्तें हैं, इन सबको जो है उन्होंने डिमार्केशन करनी होगी आबादी की बुनियादों पर। फिर हल्का बंदी कराने का जो वक्त है वो तकरीबन 4 से 6 माह लगने का इम्कान है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास वक्त तो काफी हो गया है, 90 दिन लोगों को वैसे मिल जाएंगे आयन के मुताबिक जब असम्बली रिजॉल्व होती है और उसके आगे फिर 2 महीने का तकरीबन जो है ऐसा लगेगा 2 महीने मजीद। अच्छा कुंवर दिलशाद साहब ये कहेगा, ये तो हो गया आपने बिल्कुल वाज़े तौर पर बताया कि आईनी और कानूनी तौर पर पाबंद हो गया इलेक्शन कमीशन, लेकिन ये जो लेवरेज इसमें कहीं लेवरेज मिल सकता है जो वक्त है यानी हल्का बंदियों में अगर मजीद से सपोज फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट वक्त लग जाए 5 से 6 7 महीने लग जाए तो ये मार्जिन मिल जाएगा इलेक्शन कमीशन को या नहीं, उनको उसको एक वक्त बताना पड़ेगा कि ये 3 महीने या 4 महीने से सपोज है इसी टाइम में रहते हुए हमने हल्का बंदियां भी करनी है इलेक्शन भी कराने। नहीं इसमें तो नामुमकिन है, 90 दिन के अंदर तो ये हल्का बंदियां होना बहुत मुश्किल तरीन मामला पैदा होगा ना, इसके लिए तो कम अज कम 2 महीने जो है वो एक्स्ट्रा जो इलेक्शन पाकिस्तान को लेने पड़ेंगे और वो आयन के मुताबिक वो इलेक्शन कमीशन 2 महीने 3 महीने मिल जाएंगे कि वो आयन की प्रोविजन पूरी कर रहे हैं ना, आयन की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, इस लिहाज से आयन की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो 2 या 3 महीने जो है मजीद मौकर होते हैं तो उसमें तो यानी आयन की रिक्वायरमेंट पूरी करने में कोई कट ऑफ टाइम नहीं वो दे सकते, जैसे ये तो एक नहीं हो सकता आयन की रिक्वायरमेंट पूरी करना लाजमी है तो आयन का जो 90 दिन का जो जिक्र है उसके साथ साथ जो आप हल्का बंदी का नोटिफिकेशन जो कर रहे हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि आपने हल्का बंदी जो है वो लास्ट सेंसस की अगर नोटिफिकेशन पे करना है तो लास्ट हो गया, आज जजमेंट आपका फैसला आ गया मशरका फदात कौंसिल का उसके बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा और नोटिफिकेशन की रोशनी में अपना हल्का बंदी करवा देंगे। यानी तो आईन की रूह के मुताबिक अमल करना जरूरी और इसमें हल्का बंदियां करने में अगर 8 महीने या 7 महीने या जो भी यानी हम स्पेकुलेशंस पे बात कर रहे हैं लग जाते हैं तो वो भी इलेक्शन कमीशन को मिल जाएंगे अगर वो अदालत जाके ये अपना केस सामने रखेंगे तो। जी हाँ बिल्कुल, आयन के तौर पर इलेक्शन कमीशन पाबंद हो चुका है ना तो आयन की तो खिलाफवर्जी नहीं कर रहा, आयन की पासदारी कर रहा है तो इलेक्शन के पाकिस्तान ने उसे आयन की पासदारी करते हुए। तो ये जो 3 से 4 महीने आप कह रहे हैं टेंटेटिव टाइम की बात कर रहे हैं यानी आप के 3 से 4 महीने चले जाएगा ना टाइम 90 दिन ये हो गया 2-3 महीने को और एक्स्ट्रा जो है वो इलेक्शन के पाकिस्तान को हासिल हो जाएंगे आयन के रूप से। जी यानी ये मैं सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, ये जिरह का मकसद ये नहीं है कि आपको काउंटर किया जाए, यानी 3 महीने तो शेड्यूल के मुताबिक हो गया कि वो निगरा हुकूमत और 90 दिन के अंदर, उसके बाद मजीद 2 से 3 महीने ये 3 महीने जो है ये टेंटेटिव हो सकते हैं यानी ये 5 भी हो सकते हैं 8 भी हो सकते हैं अगर हल्का बंदियाँ नहीं मुकम्मल होती तो जब तक नहीं होती तब तक इलेक्शन कमीशन जो है वो काम करता रहेगा। जी उस टाइम जब हल्का बंदियाँ हो जाएगी गजट नोटिफिकेशन हल्का बंदियों को हो जाएगा तब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा। जी बहुत शुक्रिया, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं और वो ये कह रहे थे उनके मुताबिक यानी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ये 90 दिन और 90 दिन के बाद 2 से 3 महीने मजीद लग सकते हैं इसमें यानी 5 से 6 महीने में ये वक्त है जिसमें हल्का बंदियाँ भी हो जाएंगी और इंतखाबात हो सकते हैं लेकिन ये टेंटेटिव टाइम। बिल्कुल, इस पर मजीद तफसील से हम आगे चल के बात करेंगे।